के मैप विद डोंट केयर कंडीशन। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो जीरो और वन जो फंक्शन आता है आउटपुट जिसको एफ से डिनोट करते हैं, जो भी जीरो आएगा या वन होगा वो हमारे मिन टर्म्स को शो करता है, मिन टर्म फंक्शन को शो करता है। लेकिन इसके अलावा जो कंडीशन होती है उसके डोंट केयर कंडीशन बोलते हैं। डोंट केयर मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फंक्शन पे यानी आउटपुट पे जीरो आ रहा है या वन आ रहा है, उसे बोलते हैं डोंट केयर। या फिर इनपुट से हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटपुट पे क्या आ रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं डोंट केयर, जिसे एक क्रॉस से डिनोट किया जाता है। और इसको ये जो डोंट केयर कंडीशन है इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, और उसकी जगह पे जो मार्क लगाया था उसे क्रॉस बोलते हैं। ये होती है हमारी के मैप विद डोंट केयर कंडीशन। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ से एक एग्जांपल है एफ ए बी सी डी समीशन, ये समीशन का साइन है, एम जो है मिन टर्म शो कर रही है, 1, 3, 7, 11, 15 प्लस डी, ये डी से शो करता है डोंट केयर यानी 0, 2, 5, ये जो तीन स्केयर्स हैं इनमें डोंट केयर कंडीशन है। अब देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे के मैप कैसे बनाएंगे। देखिए ये तो हम कर चुके हैं क्योंकि ए बी सी डी इसमें फोर वेरिएबल्स हैं, तो ए बी हम डायगोनल लाइन के साइड लेंगे, सी डी इस साइड लेंगे, इसमें शो नहीं किया गया है, ए बी यहाँ पे लेना, सी डी यहाँ लेना है। यहाँ पे इनको 1 बिट का चेंज करके डिफरेंस पे हम इन्हें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखेंगे, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें डॉट के कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है। देखिए ये है समेशन एम 1, 3, 7, 11, 15, मतलब ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं जिन बॉक्सेस के ये नंबर्स हैं उनमें हम वन पुट करेंगे। समेशन एम है तो वन पुट करेंगे, समेशन है तो सो फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट, वन की जगह वन पुट करेंगे, थ्री की जगह थ्री की जगह वन पुट करेंगे, सेवन के बॉक्स में वन पुट करेंगे, इलेवन के बॉक्स में वन पुट करेंगे और फिफ्टीन के बॉक्स में वन पुट करेंगे। अब इन सब में हमने किया वन पुट। आगे क्या है, प्लस डी, डी शो करता है डॉट केयर कंडीशन 0 to 5 यानी 0 बॉक्स में 2 5 में 2 में बॉक्स में 5th बॉक्स में डॉट केयर कंडीशन है, इसका फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इस हम 0 में लिखेंगे क्रॉस, 2 में लिखेंगे क्रॉस और 5 में लिखेंगे क्रॉस। ये होगी हमारी डॉट केयर यानी इन बिट्स का, ये जो मिन टर्म्स जो भी आएंगे हमें फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज का। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग, और जो बाकी जो बॉक्सेस है ना ये 4, 12, 13 के में कुछ नहीं है, इनमें हम 0 पुट कर सकते हैं या इन्हें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी पेयरिंग कैसे होगी। देखिए जब भी हम डॉट केयर कंडीशन में पेयरिंग करते हैं तो वन और जो डॉट केयर कंडीशन है एक्स या क्रॉस से डिनोट किया गया है उन दोनों को हम पेयरिंग में ले सकते हैं, लेकिन 0 के साथ हम इनकी पेयरिंग डॉट केयर कंडीशन की पेयरिंग नहीं कर सकते, सिर्फ 1 के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले पेयरिंग देखिए ये वाली है, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम 8 का पेयर बन रहा है, 8 का पेयर कोई नहीं बन रहा। अब हम देखेंगे कि 4 का पेयर बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है, और इसके लिए कॉमन क्या है, सी डी, सी डी कॉमन है, एफ इज इक्वल टू सी डी प्लस। अब कौन सा 4 का पेयर बन रहा है, एक ये वाला 4 का पेयर बन रहा है। देखिए इसमें क्रॉस और क्रॉस आ रहा है, ये डॉट के कंडीशन को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे ये पेयर। अब इसमें क्या, इसमें कॉमन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सबके लिए कॉमन है, लेकिन इसमें से कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए एफ इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए 4 का कोई और पेयर बन रहा है, देखिए एक पेयर यहाँ पे ये यह बनेगा 4 का, ये इस क्रॉस को इंक्लूड करना है, और ये सिर्फ 1 के साथ, एक चीज याद रहे, ये सिर्फ 1 के साथ पेयरिंग कर सकते हैं, 0 के साथ पेयरिंग नहीं करेंगे। अब इसमें क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, डी, और इन दोनों में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्लस डी ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये होगी हमारी पेयरिंग। अब इसमें कुछ टर्म्स ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 0 के साथ पेयरिंग नहीं करनी, सिर्फ 1 के साथ पेयरिंग करनी है, और दूसरा एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी बॉक्स में जैसे क्रॉस हमारी डॉट के कंडीशन है, क्रॉस लगा हुआ है और उसके साथ कोई पेयरिंग नहीं हो रही और एक ही क्रॉस लेफ्ट है, यानी कोई पेयरिंग भी नहीं कर सकते और क्रॉस लेफ्ट है,
यानी कि ना तो हमारी क्रोस के साथ कोई पेयरिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस क्रोस को अकेला पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी उस क्रोस को ऐसे ही छोड़ दो अगर पेयरिंग नहीं हो रही है। वो जरूरी नहीं होता है कि हमें उसको भी पेयरिंग में लेना है। अगर कोई क्रोस सिंगल, अगर कोई वन लेफ्ट है तो उसकी पेयरिंग करनी जरूरी है, लेकिन अगर कोई क्रोस लेफ्ट है तो उसकी पेयरिंग करनी जरूरी नहीं होती है। ये है हमारी के मैप विद डोंट केयर कंडीशन, और ये सिर्फ वन के साथ पेयरिंग होगी, जीरो के साथ पेयरिंग नहीं होगी। अगर कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें क्रॉस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे तो हम ये बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो पेयरिंग हो ही जाएगी। अगर ऐसा कोई बॉक्स है जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है और अगर पेयरिंग नहीं हो रही तो उस क्रॉस को ऐसे ही छोड़ देगा क्योंकि पेयरिंग करनी जरूरी नहीं है, लेकिन वन की पेयरिंग करनी जरूरी है। ये है हमारी डॉट केयर कंडीशन। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।